कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एक अगला टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार तो नहीं आया है लेकिन एक आध दो बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हम लोग टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो मैं सबसे पहले आपको बताया था सब्सक्राइबर टेलीफोन सेट, तो अभी जो चलता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट वो चलता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड होता है, ठीक ना। तो किस तरह से फैब्रिकेटेड होता है, कैसे कैसे कंपोनेंट लगे होते हैं, ये हम लोग को समझना है। देखिए सबसे पहले सब सर्किट के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहले टच टोन कीपैड है, जैसे आप नंबर डायल करने के लिए जो कीपैड इस्तेमाल करते हैं वो बाहर ये आईसी के मल्टी फंक्शन आईसी चिप के बाहर रहेगा, जहाँ से हम लोग नंबर डायल करते हैं। ये जो होता है ये डीटीएमएफ सर्किट से कनेक्टेड होता है। डीटीएमएफ सर्किट क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी सर्किट, मतलब जब कोई नंबर प्रेस करते हो तो डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी में कौन सी फ्रिक्वेंसी कितनी जनरेट होती है उसका निर्धारण करने के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है क्रिस्टल रेफरेंस से। जिन्हें क्रिस्टल रेफरेंस से निर्धारित होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल कब जनरेट होते हैं, ठीक। मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग टोन को उत्पन्न करने के लिए नियत तथा उचित फ्रीक्वेंसी का निर्धारण कौन करता है, क्रिस्टल रेफरेंस, ठीक। मतलब हम जानते हैं, ये हम बता चुके हैं डीटीएमएफ सर्किट में, कि जिससे कोई भी नंबर आप प्रेस करते हो, कोई भी नंबर प्रेस करते हो तो दो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, मल्टी फ्रीक्वेंसी। तो मल्टी फ्रीक्वेंसी में को उत्पन्न करने के लिए नियत उचित फ्रीक्वेंसी का निर्धारण कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इसका निर्धारण करने का काम करता है कौन, क्रिस्टल रेफरेंस। तो ये जो आपकी सर्किट यहाँ से यहाँ तक दिख रही है इसका काम है नंबर को डायल करना, और नंबर को डायल करके एक्सचेंज ऑफिस तक पहुँचाना है कि इस नंबर पर उपभोक्ता बात करना चाह रहा है। तो मतलब ये सर्किट जो आपकी है यहाँ से यहाँ तक ये नंबर डायलिंग के लिए है। ये है कि टच टोन कीपैड, कीपैड 1 से लेकर के 0 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर इसमें होते हैं, एक स्टार, एक हैश, कुछ कुछ टेलीफोन में इधर और भी एक लाइन होती है। तो ये होता है जो हम लोग बाहर सर्किट के यूज इस्तेमाल करते हैं, और मल्टी फंक्शन आईसी चिप के अंदर एक डीटीएमएफ सर्किट होती है जो डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है, और इसको जनरेट करने के लिए मल्टी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसका निर्धारण करने के लिए इसको क्रिस्टल रेफरेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इसी मल्टी फंक्शन आईसी चिप में टोन रिंगर सर्किट एक होता है जिसका काम होता है उपभोक्ता को आने वाले कॉल के बारे में जानकारी देना, ये इसके लिए टोन रिंगर सर्किट होती है। और टोन रिंगर सर्किट का काम क्या होता है कि बिना बेल बजाए पीजो इलेक्ट्रिक साउंड एलिमेंट का यूज करके उपभोक्ता को आने वाले कॉल की जानकारी देता है, ठीक ना, बिना बेल बजाए एक दूसरे मेथड से, ठीक ना, एक दूसरे मेथड से टोन रिंगर सर्किट को पीजो इलेक्ट्रिक साउंड एलिमेंट द्वारा डिराइव किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते ही होंगे ईएम में भी आपके सिलेबस में, कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि साउंड के प्रेशर के प्रोपोर्शनल वोल्टेज जनरेट होता है, और उसी का इन्वर्सली भी होता है कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल साउंड प्रेशर जनरेट होता है, ठीक। इसके बाद जैसे कि नंबर को स्टोर करना है, कई सारे इंस्ट्रक्शन है, उन सबको स्टोर करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेस सर्किट माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट होता है। स्टोरेज सुविधा देने के लिए, रीडायलिंग की सुविधा देने के लिए, ये सब सुविधाएं देने के लिए माइक्रोप्रोसेसर यूनिट का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्पीच नेटवर्क के लिए तो हमको दो चीज़ें चाहिए, एक माइक्रोफोन चाहिए और एक क्या चाहिए, एक हमको चाहिए स्पीकर। माइक्रोफोन का वर्क आप जानते हैं, माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, जो कि साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। और टेलीफोन के केस में जो माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है कार्बन माइक्रोफोन, आपको पता है। और यहाँ स्पीकर होता है, स्पीकर जो होता है उल्टा काम करता है, इसको इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ये फिर से साउंड सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक। ये यहाँ दो स्पीकर लगे हैं। उसके बाद हमें साउंड की इंटेंसिटी के हिसाब से वोल्टेज को रेगुलेट करना मतलब उसके एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को, फेज को रेगुलेट करने के लिए लाइन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ लगा होता है, जो कि कनेक्टेड होता है लूप इंटरफेस से, और लूप इंटरफेस के बाद RJ11 कनेक्टर द्वारा ये लोकल लूप से कनेक्ट हो जाता है, ठीक। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास रहता है। तो जो अभी चल रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि एक टच टोन कीपैड होता है जो बाहर होता है टेलीफोन के, जिसको हम इंटर करके नंबर डायल करते हैं। जब नंबर डायल करते हैं तो DTMF सर्किट से कनेक्टेड होता है। डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी जो कि एक बार में दो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होगी उसका निर्धारण क्रिस्टल रेफरेंस द्वारा किया जाता है। फिर उपभोक्ता को कॉल की जानकारी देने के लिए
एक टोन रिंगर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है जो पीजो इलेक्ट्रिक साउंड एलिमेंट की सहायता से बिना बेल बजाए एक साउंड उत्पन्न करता है। उसका माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेस यूनिट जो माइक्रोप्रोसेसर कनेक्ट होता है, नंबर डायल को स्टोर करना, रीडायलिंग करना, कई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए एक माइक्रोप्रोसेसर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। आईसी है तो स्पीच नेटवर्क के लिए एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है। स्पीकर जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर साउंड में कन्वर्ट करता है। लाइन वोल्टेज रेगुलेटर हमारे साउंड के इंटेंसिटी के हिसाब से एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज को रेगुलेट करने के लिए एक लाइन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कनेक्ट होता है। उसके बाद एक लूप इंटरफेस होता है। लूप इंटरफेस का काम होता है लोकल लूप से इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करना जो RJ11 कनेक्टर द्वारा कनेक्टेड होता है। तो एग्जाम में बहुत सिंपल टॉपिक है, आएगा तो आपको डायग्राम बनाना है और जो यहाँ बॉक्स दिख रहे हैं वो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। ज़्यादा नंबर के 5-6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।